मदरवरी और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज है नवरात्रि का फिफ्थ डे और भाई मैंने ग्रीन ही पहना हुआ लेकिन पता नहीं इसमें कलर थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। मौसम ने तो बिल्कुल वो ग्रीन झंडे वाला ग्रीन पहन लिया और मैंने थोड़ा लाइट ग्रीन पहना है लेकिन गाइस आज नवरात्रि का फिफ्थ डे है और आज का कलर है ग्रीन, सो इसलिए हम लोगों ने ग्रीन पहना है। और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है डायनामिज्म ऑफ सूरत अ स्पेशल विजिट टू भवनगर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, अच्छा याद है हम लोगों ने पहले भी ऐसे एक देखा था, आई थिंक तब डोनाल्ड ट्रंप आए थे जब ऐसे ही सड़कों पर आपको नजर आया था। मैं सूरत की बात नहीं करी, शायद गुजरात में ही था, ये मुझे याद है। वाओ, और लोग भी काफी ज्यादा थे शायद उस टाइम पर, मोटेरा स्टेडियम रिमेम्बर। बीते दो दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है, लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सूरती खाना खाए बिना जाओ। इसीलिए मुझे लग रहा था आप गुजरातनी शक्ति ने उन्हीं आज ना आवे, गुजरातनी विकास यात्रा ने कोई उड़ा पुना रहे एना माटे कोटि कोटि गुजरातियों प्रतिबद्ध छे, संकल्पबद्ध छे। बहुत अच्छी बात लगी इनकी पर्सनालिटी में, वेरी हम्बल। भावनगर की मुलाकात एक विशेष, आज आपे जे आशीर्वाद वरसाव्या छे, जे प्रेम वरसाव्यो छे, एने हुं क्यारे नहीं भूली। ये मेमोरीज रहेंगी इन बच्चों की हमेशा के लिए। कैसे फूल बरस रहे हैं। हमारी प्रेरणा और लक्ष्य कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा है, हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, ये हमारा सेवा का यज्ञ चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। वाओ, ग्राफिक्स। यार मुझे ये करना मौजूद। आई थिंक ये मोटेरा स्टेडियम तो नहीं है, पता नहीं क्योंकि सूरत में है ना ये। हाँ है तो सूरत में, मैंने कहा शायद वहां पर चले गए। गेम्स को ये सितार रहे इंडिया में यार, वैसे पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट ये देखो वो जो मुझे कलर जो नजर आ रहा है ना, खेल उत्सव स्टार्ट हो रहा है ना। जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। नेशनल गेम, लाइटिंग चेक कर। Thank you.
शेरा वाली माँ भाई आज की वीडियो में जो ना ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो लोग साइडों पर खड़े हुए थे जिस तरह फूल फेंक रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर, मुझे वो चीज काफी अच्छी लगी। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ पर ये चीज देखी थी बहुत देर पहले, तब जो है हमें, मैं जब स्कूल जाता था तब जो है हमें बस भर कर लेके गए थे, तब पता नहीं कौन आया था पाकिस्तान में, तो वो जो है ना रोड के साइड पर हमें तब खड़ा किया था। थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं किया। लेकिन 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 वो तो स्कूल के, यानी जितने भी थे ना स्कूलों के बच्चे गए थे, ठीक है ना, लेकिन ये क्योंकि जनरल पब्लिक खुद आई हुई थी तो ये काफी ज्यादा फर्क एक होता है, बहुत फर्क है। देखो जो डिफरेंट गेम्स होती हैं या डिबेट्स होती है ना, उसमें डिफरेंट स्कूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको लेकर जाते हैं, वो मुझे पता है, बट ऐसे सड़कों पर भी लेकर जाते हैं ये मुझे आज पता। माल रोड पर लेके गए थे, बात करते हैं आज की वीडियो की, क्योंकि ये जो वीडियो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ है और जिस तरीके से हम लोगों ने यू नो वीडियो का स्टार्ट देखा, मैं कहूंगी कि एक स्वैग है भाई मोदी जी का। और मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी रीजन ये है कि उनका काम करने का स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो कनेक्शन है जो मैं कहूंगी कि एक आम व्यक्ति के साथ, मुझे वो बहुत पसंद है। और उसकी रीजन ये है कि मैं जब भी देखती हूँ कि वो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी हम्बल होती है कि आप उसके साथ कनेक्ट फील कर सकते हो। ऑन द अदर साइड मैं जब बाकी लीडर्स को देखती हूँ यहाँ पर, तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो, हालांकि बात करना बनता नहीं है इतना, लेकिन चलो मैं बात करने लगती हूँ क्योंकि अभी आज सुबह ही उनके कुछ खूबसूरत अल्फाज मेरे कानों में पड़े, तो मैं ये बात सोच रही थी कि ये अब जान छोड़ दें इन चीज़ों की। तो मैंने, मुझे ये लगता है कि अब जब वो, क्योंकि बहुत सारे जलसे उनके होते हैं, आए दिन जलसे ही होते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, और 3.5 सालों में भी सिर्फ जलसे ही हुए रहे थे, तो मैं ये बात सोच रही थी कि अब कंपैरिजन करना शुरू हो जाते ऑटोमेटिकली एक ऐसे लीडर को देकर और एक वैसे लीडर को देकर, क्योंकि उस लीडर की जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे बहुत ज्यादा, एक मैं कहूंगी कि एरोगेंट लगती है आपको, वो हम्बल नहीं लगती, इवन के जो बात करने का स्टाइल है उसमें भी आपको एरोगेंस नजर आता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जो लोग उनके साथ कनेक्ट हुए हैं शायद वो सेम मेंटालिटी के, इस वजह से वो उनको फॉलो करते हैं। बट ऑन द अदर साइड जब मैं मोदी जी को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उनकी जो मतलब आप स्पीचेस भी देखो उसमें वो बहुत आराम से बात करते हैं लोगों के साथ, के आपके के लोगों की भावनाएं जो होती है ना वो उनको अच्छे से समझकर उनके साथ कनेक्ट होते हैं। यार इसमें कोई शक नहीं है, पीएम मोदी जी को जब आप देखते हैं तो लोगों से जिस तरह कनेक्ट होते हैं, बेशक कोई ओलंपिक के मेडल जीत के आया हो ना आया हो या कोई भी गेम्स हो, तो वो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है कनेक्ट होते हैं। अभी जो हमने आज वीडियो ये देखी है इसमें जो उनका एक स्टेज पर जाके वो बोर्ड ऑन करने का जो एक तरीकेकार था वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा था, क्योंकि लाजमी बात है कि आप जितना हम्बल अपने आप को रखेंगे ना लोग आपको उतना ज्यादा जो है पसंद करेंगे। यहाँ पे मैं आपको मिसाल यही दे सकता हूँ कि अगर यहाँ पर आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं वहां पर ना एक पीएन का नखरा भी जो है वो मान नहीं होता, यहाँ पर जो है इस तरह के जो है सिनेरियोस जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी अगर बात की जाए तो मुझे जो है आज ही पता चला है इंडिया में जो नेशनल गेम्स का इफ्तिताह हुआ है, इंडिया में नेशनल गेम्स हो रहे हैं 2022 में गुजरात में ये हो रहे हैं। लेकिन मजे की चीज हम लोगों को पता चली जो कि हमें नहीं पता थी कि ये 1924 में स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कौन से शहर में हुआ था, लाहौर में हुआ था, यानी कि ब्रिटिश राज के टाइम पर ये स्टार्ट जब हुआ था तो ये 3 साल कंसेक्यूटिवली लाहौर में ही हुआ, क्योंकि हर दो साल बाद दोबारा से 3 मरतबा ये लाहौर में हुआ था, तो मतलब हमें जानकर वैसे काफी ज्यादा खुशी हुई। दूसरा मैं मौसम की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पीएम मोदी जी जो है उन्होंने बाउ डाउन किया, मुझे लगता है कि मेंटालिटी का बहुत ज्यादा अंतर है यहाँ के लोगों में और वहां के लोगों में। इसीलिए मैं बात बोलती हूँ कि आपका जो विजन है ना वो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई, मुझे लगता है मैंने वैसे आज तक, मुझे नहीं पता शायद किसी ने किया हो, लेकिन मैंने अभी तक किसी लीडर को इस तरह से इतना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नहीं देखा, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी हम्बल हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर हो ना तो पता नहीं कौन से वो अटैक करना शुरू हो जाएगी ऑपोजिशन, ये लोगों के सामने झुक गया है
है, ये इस तरह से हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अब लेकर आनी चाहिए उनकी सोच में। इसीलिए मुझे पीएम मोदी जी को देखकर अच्छा भी लगता है, उनके जो जैसे जो वो काम करते हैं और जिस तरीके से वो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम था मौजम जब हम लोगों ने देखा था, उस टाइम पर भी जो जितने भी प्लेयर्स थे उनके लिए एक अरेंजमेंट किया गया था, उस टाइम पर भी उन्होंने उपवास रखा था। अभी नवरात्रि का उपवास है तो मतलब हाँ उन्होंने बोला ना, तो नवरात्र के भी मतलब उपवास होते हैं। सो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि वो स्पिरिचुअल पर्सन है। और उसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं मोटेरा स्टेडियम की हम बात करें, मैं कहती हूँ अपने आप में इतना खूबसूरत है मोटेरा स्टेडियम के अंदर, जिस तरीके से रंग बिरंगे आपको रंग और लाइट्स नजर आ रही थी वो भी कमाल की थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इतनी मतलब मुझे ऐसे इवेंट्स बहुत पसंद आते हैं। मुझे इससे ना आपके हर किसी की बचपन की कुछ मेमोरीज होती हैं। मुझे ऐसे याद है कि जब मैं छोटी थी ना तो यहाँ पर स्टेडियम में ना हॉर्स एंड कैटल शो लगा करता था। और उसमें भी यही होता था कि आपको डिफरेंट कल्चर और यू नो परफॉर्म करते हुए दिखते थे, म्यूजिक होता था, बहुत कुछ होता था। इवन के फिर यार यहाँ पे तो बात करें ना तो बहुत सारे इवेंट्स जो सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया बीच में, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स यानी कि फेस्टिवल्स हुआ करते थे। अभी कल हम बाजार गए थे, वहां पे भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि पहले जो है बसंत हुआ करती थी, इतना मजा आता था सारे फैमिली वाले, यानी कि जो जो आपकी गैदरिंग होती थी बसंत मनाया करते थे। अब वो चीजें नहीं रही। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मेला लगा करता था जिसमें सर्कस और हर तरह के झूले उसमें आपको देखने को मिलते, मेला चिरागा लगा करता था, फिर उसके बाद हॉर्स एंड कैटल शो लगा करता था। यानी कि बहुत सारी चीजें होती थी जो टाइम के साथ साथ तक वो खत्म ही हो गई हैं। मुझे समझ में आता कि ये लोग उन सब चीजों को रिवाइव क्यों नहीं करते, क्योंकि चाहे टाइम कितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन जो आपका कल्चर है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर आप उसको डे बाय डे अपडेट करते हो ना, मतलब थोड़ा सा पुरानी चीजों को लेकर थोड़ा अपग्रेड कर दिया और उनको रखना कायम रखना, मुझे लगता है वो ज्यादा खूबसूरत लगती है राधर दिन के आप उनको बिल्कुल ही खत्म कर दो। वैसे मैं ये बात बोल रही थी कि मैं अपनी खाला के साथ गई थी हॉर्स एंड कैटल शो देखने और वो इतना मजे का लगता, आई थिंक 3-4 दिन तो शायद वो लगता था। और देखने में इतना मजा आता होता था कि मतलब और इतनी ज्यादा लोग आया करते थे देखने के लिए। और अब के बच्चों में कहती हूँ कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि चीजें क्या हुआ करती थी। बट ओवरऑल मैं कहूंगी कि आज की वीडियो देखकर हम लोगों को बहुत मजा आया। यू नो समटाइम्स ऐसे मेरा दिल करता है कि मैं ये सारे इवेंट्स जो है वो अटेंड किया करूं। मुझे बसंत बहुत पसंद थी क्योंकि मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे पतंग उड़ानी भी आती है, मौजों को नहीं आती वो मुझे पता है, मुझे पतंग बहुत अच्छी आती है मुझे उड़ानी। तो पेचा लड़ाना आता है तुझे? लड़ा लेंगे उसमें क्या है, लड़ाती और उसकी रीजन ये कि हाथ काफी ज्यादा उसमें कटने का खतरा होता है। नहीं देखा ना, देखा ना वो टेप मिलती है भाई, वो लगानी पड़ती है उसमें। वैसे वैसे क्या नाम लेते हैं, हमें जो है ना फेस्टिवल्स इस वजह से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि शायद हमारे यहाँ पर नहीं है और हमें जो बहुत ज्यादा शौक है ऐसी चीजों का कि भाई हमें डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल देखने को मिले। हाँ हमारा हमने अपने बचपन में देखी है वो चीजें। हमने अपने गांव में अगर देखा जाए तो जैसे वहां पर भी जो है सर्कस लगती थी, तो ये चीजें आपको याद आती हैं कि यार कि काश वो चीजें दोबारा, या बेशक जितने मर्जी बड़े हो जाएं लेकिन जब आप अपने बचपन की चीजें देखते हैं ना तो आप में एक वही भावनाएं जो है ना दोबारा से जाग जाती हैं, ताजा हो जाती हैं वो। खैर गाइस आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आई होप हम लोग को आगे मजीद वीडियोस ऐसी देखने को मिले जहां पर जो प्रॉपर इनॉग्रेशन हुआ, जो हम कहेंगे कि इवेंट हुआ है, हम वो भी देख सके वीडियो, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी कलरफुल और खूबसूरत है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो है तो जरूर हमारे साथ लिंक शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ गुड बाय।